कर्नाटक में कांग्रेस की नई हुकूमत, नई सरकार जो है 5 गारंटीज इंप्लीमेंट कर रही है और लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। बेशक कभी भी कांग्रेस हुकूमत आई है, यानी मजहबी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये तमाम को लेके गई है, उसका हिस्ट्री है। ये बार आने का मतलब नहीं, कई 50 साल से भी कांग्रेस की हिस्ट्री है। और जैसे ही हुकूमत आई, ये 5 गारंटी और तकरीबन 10-15 रोज़ में जो किए, बहुत बड़ी कामयाबी है और मुबारकबाद है। और मुसलमान का सवाल नहीं है, पूरा कर्नाटक का आदमी इसमें खुशहाल में है और ये पूरे 5 साल भी खुश होंगे, यही हाल में जाएंगे उम्मीद है। मगर मेरी बात है, कर्नाटक में जितना कांग्रेस का स्टैटिस्टिक्स बदला है, हिंदुस्तान में आज तक नहीं बदला और हिंदुस्तान के लिए एक चिराग बनाए। मई 2010 का इलेक्शन हिंदुस्तान में बड़ा चिराग बना है, इस वजह से बना कि भाई लॉस्ट स्टेप जो है, जो 5 गारंटी नहीं है, 5 गारंटी के अलावा जो बैकवर्ड मुसलमान का रिजर्वेशन जो है, वो तकरीबन 40 एमएलए को बढ़ा दिए कांग्रेस के, पूरे 40 से 45 एमएलए बड़े हैं। तो उम्मीद थी कांग्रेस को भी कि भाई वो आएगी और दूसरों से भी आएगी, यानी जेडीएस आएगा, इंडिपेंडेंट आएंगे, फला आएंगे, वो उम्मीद को मुसलमान तोहफे में दे दिए। क्या वास्ते कि भाई रिजर्वेशन जो 4% का खारिज किए, वो काम करने में कर्नाटक में बीएल संतोष, बम्बई, ये जो आरएसएस के लोग जो हैं, जो काम 10-15-20 रोज के पहले करे, ये तमाम चीज में गारंटी में जमो या ना जमो, हुकूमत की बहुत बड़ा फर्ज है। हुकूमत की गारंटी के अलावा ये फर्ज बनता है कांग्रेस गवर्नमेंट के, बैकवर्ड का 4% वापस लौटाओ। हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है मामला, वही बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक सरकार से और वहाँ से गए हैं, हमें वो भी विड्रॉ कर लें, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा फ़ायदा मिले, बात वो नहीं है, तुरंत फौरन। और मैं समझता था, मेरी पर्सनल भावना थी कि भाई ये 5 गारंटी के पहले मुसलमानों का ये लाते, पहले यानी रिजर्वेशन को पहले लाते, ये मेरा अंदाज था, मेरी उम्मीद कांग्रेस से बैठी थी कि भाई बात में टोपी पहनने से, लंगर चलाने से मुसलमान को कोई फायदा नहीं है, फायदा बैकवर्ड का जो 4% के ऊपर जो वोट मिला है, तकरीबन 30 एमएलए आ गए कर्नाटक पूरा, और हिंदुस्तान को एक सबक मिला। और दूसरी बात, वोट लेने के लिए चाहे जनता दला को जो सज़ा मिली, वो सज़ा हर पार्टी को मिलने वाली है, अभी ये जीत नहीं है, 4 महीने में कॉरपोरेशन में हार है, 11 महीने में लोकसभा में जीत या हार है, फिर भी इलेक्शंस आ रहे हैं। तो इस अंदाज पे पूरे 5-4 साल से जो गुजरा, हुबली, शिमोगा, DJLD, क्या बोले मुसलमानों के लीडर, क्या बोले बीजेपी के लोग, करे संतोष किए, बम्बई ऑर्डर दिया, येडियुरप्पा शूटिंग को ऑर्डर दिया, बम्बई होम मिनिस्टर होते हुए पूरों को गिरफ्तारी करने का ऑर्डर दिया, ये तो लोग बोला DJLD KJLD में, जब मेरे नबी की बात आई, जो नबी का नाम लिए वही लोग उनके साथ उनको टोपी पहना रहे हैं, तो कहाँ ये लोगों की छुटकारी है। 550 आदमी जो DJLD में बैठा है जेल में, 50 आदमी है, 450 आदमी गलियों में है, इनके फैमिली वालों को रहने के लिए घर, छत, खाना, दवा, किराया,
कोई चीज नहीं है, पूरे कांग्रेस के लीडर मुसलमानों को पता है, यानी जो निस्बत करे, जो शादी करे, जो तमाम हुआ, इसके बाद ये दोनों चीजों में कौन सी चीज की भलाई आज तक 14, 20, 25 दिन में जो पांच मुबारकबाद कर्नाटक को मिले, मुसलमान कभी पूछा नहीं, मुसलमान दिया इनको, मुसलमान 40 एमएलए को दिया, पूरी हुकूमत सर झुका के खड़े, सर नीचे रख के खड़ी, मानने वाले हमें नहीं है, मुसलमान के ओर से 40 नंबर बढ़ा, तो क्या करें आप, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं सोचे आप, अभी भी टाइम है, बैकवर्ड सुप्रीम कोर्ट से वापस लाए हैं, 400-500 आदमी डीजे हल्ली, खेजे हल्ली, हुबली, जिस जगह भी मेरे नबी का नाम हुआ है, नबी के नाम की टोपी पहना रहे हैं ये लोगों को, मुसलमान लीडर, ये लोगों को रिहाई करना, यानी केस विड्रा करना, कोर्टों के सामने केस स्टेट गवर्नमेंट विड्रा करेगी, तो यूएपीए एनआईए जो बीएल संतोष येडियुरप्पा बोम्मई जो लाया हुआ ये तीनों आरएसएस के, वो जाएंगे, जाना चाहिए, जब कोर्ट से होगा तो लोगों के पास पैसा नहीं है, तुम्हारा भीख नहीं लेंगे ये मुसलमान, घर में अपने किरायों को पैसा नहीं है तो वकीलों को कहां पैसा देंगे, क्या गलती करें, क्या कम से कम इनू किए, क्या आग इनू लगाए, क्या कहां से आग लगी, कौन लगाए, तो आरएसएस के भी लगाए, दूसरे पार्टियों के लगाए, ये मुसलमान मजलूम लोग कहां लगे, तो ये केस तुरंत वापिस लेना है, कांग्रेस की सरकार डीके शिव कुमार जी और सिद्धरामैया तुरंत ले सकते हैं, क्योंकि कम से कम मुसलमानों का रिकॉग्नाइज करना है तो ये दो चीज का फल पहले देना है, यही कानून से होता है, हज कमेटी में 2 लाख रुपए लेके जब जाता है, ये खुद के खाने को भी, बस के टिकट को भी, फ्री बस की टिकट को भी मुसलमान खाने वाला नहीं है, मुसलमान जब नबी का नाम से जेलों में सड़ रहे हैं और बैकवर्ड 50 साल से जो रिजर्वेशन आ रहा है, जो हक था उसको असेंबली में कानून बनाएंगे कि भाई ये कानून वापस लेने का लेने होता है, वही काम इलेक्टेड एमएलए मंत्री असेंबली हाउस में करने का काम, ये दोनों ही काम है, दूसरा काम नहीं है, कि भाई अपने पूरे डीजे हल्ली केजे हल्ली हुबली के लोगों को केस वापिस लो, क्योंकि ये केस में आरएसएस के डाला हुआ केस है, ये 500 आदमी में एक आदमी को आज भी मालूम नहीं है वहां हादसा क्या हुआ, आग कौन लगे, कहां से आ गई, किसकी काड़ी किसकी चिंगारी में आग लगी, ये 500 मजलूमों को भी मालूम नहीं है, कल के दिन फांसी भी चढ़ जाए, ये पूरे कांग्रेस के मुसलमान को, कांग्रेस के हुकूमत को ये एक साप है, यानी एक पाम चढ़ेगा, क्योंकि ये लोगों को माने हैं, तो दोनों ही काम असेंबली हाउस में कानून बनाने के काम है, तो अपना 4% रिजर्वेशन तुरंत वापस लाइए, और ये 500 और 150 हुबली के और आलंदा और शिमोगा के लोगों को विड्रा केस विड्रा करने का पावर आपको है, आप करेंगे तो मैजिस्ट्रेट उसके ऊपर साइन करेंगे, एसपीपी के तरफ से आपकी एप्लीकेशन पड़ेगी, वरना ये जुलूम करे, ये आग लगाए, नबी का नाम जो लेके उधर जमे थे, अपनी परिवार का नहीं, ये 500 लोगों नहीं 50,000 लोग उनकी माँ का उनकी बहन का नाम लेके गंदगी करते तो उधर नहीं जाते, नबी का अल्लाह के नाम से जो हुआ तब गए, तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के मुसलमानों को है, लंगर में नहीं है, रिजर्वेशन में है, असेंबली हॉल में जो होने वाली है उसमें है, ये दोनों चीज लाएंगे, लाना जरूरी है, मुसलमान 40 एमएलए दिया है, आगे आने वाले इलेक्शनों में भी मुसलमान का होगा, कर्नाटक से पूरी इंडिया को कांग्रेस का और आरएसएस के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ कर्नाटक के मुसलमान वोट दिया है, तो उसका
असर और उसका तोहफा कम से कम ना पूछे मुसलमान, इसके बावजूद भी देना, ये 9 MLA मुसलमान, एक स्पीकर मुसलमान, जो टोपी पहने हुए चीफ मिनिस्टर्स दोनों भी है, इनकी जिम्मेदारी है करना चाहिए, ये दोनों ही काम करना है। बाहर बसों में, ग्राउंडों में, अपने लंगरों में मुसलमान को देना लेना नहीं है। सिर्फ अपना हकूक असेंबली हाल के अंदर बनाएगी, जो 40 MLA की भीख भी नहीं लेंगी, मगर उसका एहसास मुसलमान में जीते हुए MLA मुसलमान नॉन मुस्लिम भाइयों को होना चाहिए। और हिंदुस्तान में जो इज्जत मिली है वो इज्जत बरकरार रखना है, वो इज्जत मुसलमान के वोटों से मिली है कर्नाटक में। इसके बावजूद जो काम कांग्रेस में कभी भी नहीं हुआ है, जंगा फसाद कोई हुक्म में नहीं करेंगे, अमन सुकून रखेंगे, कभी भी नहीं करे हैं वो, ऐसा ही बरकरार रखेंगे, वो उम्मीद है, मेरी दुआ है, मेरी अपील है। 4 महीने का कॉरपोरेशन इलेक्शन, 13 महीने का MP इलेक्शन, आने वाले दूसरे इलेक्शनों को तमाम मुसलमानों की दुआ हुई है, ये दुआ को बरकरार रखना है। मेरी मांग है तुरंत रिजर्वेशन दो और 500 कर्नाटक DJ हल्ली हुबली शिमोगा के लोगों को बरी करने की अर्जी लिखो, असेंबली में साइन करो, स्पेशल PP के पास अब अर्जी पेश करें तो अच्छा नहीं, यह फर्ज है सरकार का। सब ये रिजर्वेशन का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, वो जो है कोर्ट के सामने है, वो आने वाला है, तो कैसे इसमें वो फैसले आने तक तो हुकूमत को इंतजार करना पड़ेगा। हिजाब का मामला सरकार में है, कोर्ट में है, और अपना DJ हल्ली KJ हल्ली का मामला कोर्ट में है, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में जाके भी खारिज हुई जो बेल की एप्लीकेशन भी, उसका मतलब ये नहीं है सरकार की दी हुई ऑर्डर, सरकार का जो अर्जी, ये चार्जशीट बनती है, तो सरकार बोलेगी सरकार का ये हमें विड्रा करे हैं, हमारा वो उधर पे एडवोकेट जनरल होते हैं उनको देगी कि भाई हमें ये चीज़ को हमें कॉम्पीट नहीं करेंगे, हमें विड्रा करेंगे, ये चीज़ हमारे को चाहिए, कौन से कोर्ट में भी हो कोर्ट उसका लिखेगी, ऑब्जेक्शन सीरियस से देखेगी और उसके बावजूद भी ऑर्डर करेगी तो भी सरकार को पावर है उसको लाने का, उसको अपील करने का, सरकार इज द फाइनल, जो नहीं करेगी वो येडियुरप्पा बोम्मई BL संतोष के लाइन में जाने वालों में जमेंगे, उन्होंने वही करे, तो ये तीनों करे मुसलमान के खिलाफ करे, RSS का काम उनका जो मुद्दा अमल करे, वो मुद्दे को खारिज करना। कांग्रेस सिद्धरामैया जी जो है हॉनरेबल CM DJ हल्ली के टाइम पर बोले थे कौन किए उनको पकड़ो, कौन करवाए हैं उनको पकड़ो, इसका मतलब जो हुए हैं उन्होंने, आज के हॉनरेबल CM को पता है वो जो अंदर हैं वो नहीं है, तो कौन सा भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, कौन से भी कोर्ट में सरकार की अर्जी, ये जी एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया और स्पेशल PP ये PP के पास देगी, उसको खारिज करेंगे, इसको ग्राउंड्स लिखेंगे, यही ग्राउंड्स में केस पड़ा है, ये लोगों की सोशल जस्टिस है, ये रिलीजियस के ऊपर पड़ा है, ये एक तबके को हमें उसका मर्डर किए हैं, ये सरकार में इक्वालिटी चाहिए, मजहबी केस नहीं चाहिए, उसके ऊपर अफिडेविट बना के करेंगे तो मुझे उम्मीद है रेस्पेक्टेड जज पहले इज्जत से साइन करके इज्जत से लोगों को बरी करेगी, इज्जत से 4% वापस देगी। यानी कि आपका कहना है कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन DJ हल्ली KJ हल्ली शिमोगा हुबली के मामले में कोर्ट फैसला लेने से पहले हुकूमत फैसला ले, आप ये कह रहे हैं? 4% अलग है हिंदुस्तान कर्नाटक के लिए, 4% है DJ हल्ली अब अपना शिमोगा हुबली का जो है वो अपने मेरे नबी के नाम से जो जेलों में सड़ रहे हैं उनके बीवी बच्चे उनके माँ बाप गलियों में खड़े हैं, वो केस वापस लेने का बोल रहा हूँ, उनका फर्ज बनता है। आज के चीफ मिनिस्टर बताए हैं 2020 अगस्त में ये लोग मजलूम हैं, ये लोग कुछ छेड़ा गया है, ये जो लोग पकड़े हैं वो लोग आग के साथ आए नहीं, जो आग लगी वो दूसरे तरफ से आई है करके CM बोले हैं, आज के CM
उस टाइम पर के अपोजिशन लीडर बताए हैं, वही बात के ऊपर जाना है। मुसलमानों को पता है, मुसलमान लीडरों को पता है ये चीज़, तो ये बोल के करना है। कानून बहुत साफ है, जैसा अर्जी जाएगी कल परसों कोर्ट से विड्रा होगा, जैसा अर्जी फाइल करेंगे अपना सुप्रीम कोर्ट में, हॉनरेबल कोर्ट में, तो ये अपना 4% आएगा। कानून इधर बना लेंगे अपने विधानसभा में, दोनों हाउसेस में, ये कापी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कोर्ट, क्योंकि हुकूमत के ऊपर है। हुकूमत कोर्ट एक मानती है कि भाई इक्वालिटी, जब ये इनइक्वालिटी हुई है इसको इनसे टेस्टिमोनी सर्टिफाई करते हैं, हॉनरेबल कोर्ट बाइज्जत 4% वापस देती है, दे सकते हैं, ले सकते हैं। उसकी कोशिश बड़े बड़े हिंदुस्तान के लायरों को रख के कर्नाटक की सरकार ये 40 MLA की जीत के, इसमें 200 यानी जितने भी 140 MLA जीते हैं, ये जीत भी हर MLA को मुसलमान का वोट है। तो ये 5G में कहाँ है मुसलमान का यम, कहाँ है, कौन सोचा है, कहाँ सोचा है, कौन बोला है? बोलना चाहिए, ज़रूरी है ये बोलना है, नहीं तो भी मुसलमान संभालेंगे। इसकी दुआ लोकसभा में भी करेंगे, हिंदुस्तान भर इसका मैसेज जाएगा। अभी जो बरकत वाली दुआ हुई है, ये दुआ कांग्रेस के नाम से पूरी हिंदुस्तान के लिए हुई है। कर्नाटक में जब तक इतने नंबर नहीं है, हिंदुस्तान में कौन भी देखने वाले नहीं थे इनको, कांग्रेस वालों को देखने वाले नहीं थे, यहाँ से पूरी उनकी शुरुआत हुई है। उनकी जीत राजस्थान में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी, दिल्ली में भी होगी, लोकसभा में भी होगी, तो इसका जरिया मुसलमान है। आज तक इसकी जबान नहीं खुली है, कर्नाटक की नई सरकार 9 MLA 4 MA मंत्रियां अपने फला और ये तमाम में जिक्र नहीं हुए, जिक्र नहीं, इनका फर्ज बनता है, ज़रूरी है कि भाई इसके बारे में सोच के स्टेप उठाएं, जल्दी से जल्दी ये काम करके मुसलमान का खर्च अदा करें।